नमिता दुबे एक जाने माने अभिनेत्री हैं जिन्होंने सोनी टीवी पर प्रकाशित धारावाहिक बड़े भैया की दुल्हनिया और बेपनाह में काम किया है। इन्होंने मीरा रैजाद और पूजा हुड्डा के किरदार निभाए, लेकिन जब से उन्होंने टीवीएफ एस्पिरेंट्स में धैर्या का किरदार निभाया है तब से उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिलने लगी है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नमिता दुबे से संबंधित कुछ बातें। फैक्ट नंबर वन, नमिता दुबे का जन्म 22 नवंबर 1990 को लखनऊ के कपूरथला में हुआ। फैक्ट नंबर टू, इनके पिता विनय प्रिया दुबे एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। इनकी दो बहनें रतन त्यागी और अंकिता दुबे हैं। फैक्ट नंबर थ्री, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ला मॉन्टिनरी गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की हैं। इन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम वुमेन्स कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई की हैं। फैक्ट नंबर फोर्थ, इन्होंने अपना मॉडलिंग और एक्टिंग का करियर तब शुरू किया जब उन्हें 5 मिनट के शूट के लिए 20,000 रुपये दिए गए और कॉलेज खत्म करके इन्होंने मुंबई के जैक गोल्डबर्ग से एक्टिंग की ट्रेनिंग की। फैक्ट नंबर फिफ्थ, नमिता ने अपना टीवी डेब्यू ए है आशिकी नामक टीवी शो से किया जिसमें इन्होंने राधिका का किरदार निभाया। उसके बाद यह अनेकों टीवी सीरियल में नज़र आई और इन्होंने यह है आशिकी सियप्पा इश्क में सिमरन के किरदार में नज़र आई। इन्हें फिर से ये है आशिकी में पम्मी के किरदार में देखा गया। फैक्ट नंबर सिक्स, इनकी पहली फिल्म मैं तेरा हीरो थी। फैक्ट नंबर सेवन, इन्होंने 2016 में बड़े भैया की दुल्हनिया में मीरा का किरदार निभाया। फैक्ट नंबर एट, इन्होंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुरखा में नम्रता के किरदार से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया। फैक्ट नंबर नाइन, 2018 में उन्हें बेपनाह टीवी सीरियल में पूजा हुड्डा के किरदार में देखा गया, लेकिन जब उन्होंने टीवी सीरियल छोड़ दिया तब उन्हें सीरियल में मरा हुआ दिखाया गया। फैक्ट नंबर टेन, उन्होंने टीवी सीरियल बेपनाह जिंदगी के क्रॉस रोड के बाद एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और फिर उसके बाद 2021 में उन्हें टीवीएफ एस्पिरेंट्स में धैर्या के रूप में देखा गया। फैक्ट नंबर 11, अभी फ़िलहाल 2021 में वो जेब्रा कैंडी नामक शो में काम कर रही हैं और आने वाले समय में उन्हें रश्मि रॉकेट में देखा जाएगा। फैक्ट नंबर 12, वह वर्ल्ड वेलफेयर चिल्ड्रेन ट्रस्ट और सलमा बालक ट्रस्ट में भी काम करती हैं। तो ये थी नमिता दुबे से संबंधित अनजानी बातें। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में।